क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने सोचा हो कि डाइट आज से शुरू करेंगे और फिर वो आज से कल पर चली गई हो और वो कल कभी नहीं आया? हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं, चीज़ें सोचते तो हैं करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो चीज़ टल जाती है, फिर वो चीज़ कल पर चली जाती है और वो कल कभी नहीं आता। अगर हम ओवरवेट हैं ना और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है और इन सारी मुश्किलों के चलते हम डाइट बिल्कुल कर ही नहीं सकते और अपना वेट लॉस कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको एक बात बता दूँ, दिव्या मेरी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने 2 मंथ्स में 18 kgs वेट लॉस किया है। वो 78 kg की थी और आज वो 60 kg की हैं और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी मुश्किलें थी, डिफ़िकल्टीज थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। चाहती तो वो भी ये सोच सकती थी कि मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मैं तो डाइट कर ही नहीं पाऊँगी, वेट लॉस कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने उसे टाला नहीं, उसे कल पर नहीं डाला, आज ही किया और उन्होंने ये पॉसिबल कर दिखाया। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि दिव्या क्या कहना चाहती हैं। Hi everyone, my name is Divya and how I lost the 18 kgs after my delivery. Dr. Shikha ki ek koi client thi, unhone वेट लॉस जर्नी अपनी शेयर की थी, तो मैंने उनका डाइट प्लान देखा और उनका डाइट प्लान मुझे इतना फीजिबल और इतना अच्छा लगा। डॉक्टर शिखा ने मेरी डाइट प्लान में रोटी भी रखी थी, सब्ज़ी भी रखी थी, तो मुझे अपनी डाइटिंग करते हुए कभी लगा ही नहीं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी डाइटिंग शुरू की थी, उन्होंने भी 10 kgs लूज़ किया था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 18 kgs लूज़ किया है। 78 kgs की थी मैं जब मैंने उनका डाइट प्लान शुरू किया था और नाउ आई एम एट 60। उन्होंने मुझे इतने अच्छे रेसिपीज़ दिए जो इजी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। सो डॉक्टर शिखा वाज अमेजिंग, शी वाज अमेजिंग ऑल द टाइम, हेल्प उन्होंने मेरी इतनी की जब मैं उनसे इतने क्वेश्चंस पूछती थी और वो हमेशा मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सही से और अच्छे से एक्सप्लेन करके देती थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे डॉक्टर शिखा के डाइट प्लान से समझने को मिली। वो अपने हर रेसिपी, हर उन्होंने डाइट में जो चीज़ इंक्लूड की है वो उसका एक इम्पोर्टेंस आपको समझाती हैं कि आपको पता रहे कि आप क्या खा रहे हो। एंड आई थिंक It's very much important to know what you are eating and the quantity also. So thank you Shikha ma'am, thanks a lot. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने आपको choose किया and आप मुझे मिले and I think कि अब मैं ये diet हमेशा हमेशा follow करूँगी क्योंकि मुझे अंदर से ही बहुत अच्छा लगता है ये diet follow करके, बहुत healthy feel करती हूँ मैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, हैव द राइट एटीट्यूड एंड ऑल द बेस्ट, बाय। तो ये है दिव्या जिन्होंने 2 मंथ्स में लूज किया है 18 kg, 78 से वो 60 के ऊपर आई हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी थी। अगर किसी चीज़ को हम ना करना चाहें, उसको टालना चाहें, तो उसको ना करने के हम 100 बहाने बना सकते हैं और अगर किसी चीज़ को करने का ठान लें तो 100 मुश्किलें होने के बाद भी हम उस चीज़ को कर लेते हैं। तो दिव्या उन्हीं में से एक हैं। डाइट तो है लेकिन उनका डेडिकेशन भी है जिसकी वजह से आज उन्होंने ये अचीव किया है। दिव्या आउट ऑफ इंडिया रहती हैं जहाँ पर वो और उनके हस्बैंड और उनका छोटा बेबी और साथ में उन्होंने ये सब चीज़ों को मैनेज किया है खुद से विदाउट एनी हेल्प। ना ही उनके घर के कोई लोग वहाँ पर हेल्प करने के लिए उनके थे, ना ही कोई हाउस हेल्प थी। वो वर्किंग भी हैं, अपने ऑफिस का काम भी किया, अपनी फैमिली भी देखी, अपने बेबी को भी देखा, अपनी डाइट भी देखी, अपना घर भी संभाला, साथ ही साथ में अपना इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद दिव्या ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ों को कल पर डालेंगे ना तो ऐसा ना हो कि टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों ही चले जाएं, ऐसा ना हो कि हेल्थ खराब होने लगे और फिर हाथ से चीज़ें निकल जाएं। तो कल पर मत डालिए, आज से ही शुरू करिए,
इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दिव्या का डाइट प्लान। दिव्या का वो डाइट प्लान जिससे उन्होंने 2 मंथ्स में लूज किया है 18 kg। सारी की सारी रेसिपीज बनाकर दिखाऊंगी ताकि वो आपके भी काम आए। और अगर आपको वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करें, तो आज आपकी इस डाइट प्लान से बहुत हेल्प होने वाली है। तो शुरू करते हैं दिव्या का डाइट प्लान। जब भी मेरे पास मेरा कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उनको कुछ चीजें, अपने कुछ गोल्डन रूल्स बताती हूँ। तो ये 5 गोल्डन रूल्स मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप वो गोल्डन रूल्स इस डाइट प्लान के साथ फॉलो करेंगे ना, तो आपका भी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा 100%। सबसे पहली चीज ये है कि पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना। पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। अपना डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर देना और 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाना। अपना वेट डेली चेक करना और उसको एक डायरी में नोट डाउन करना। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना और साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर लेना। इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ वॉक करनी है। ये डाइट प्लान फॉलो करना है और मेरे 5 गोल्डन रूल्स, और फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि दिव्या ने किया है, आप भी कर सकते हैं। दिव्या के साथ साथ उनके हस्बैंड ने भी उनके जैसी ही डाइट फॉलो करी, क्योंकि घर में सेम ही खाना बन रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप डाइट कर रहे हो तो आपको अपने लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि डाइट में मैं ऐसी चीजें देती हूँ जो आपकी फैमिली भी बहुत आराम से खा सकती है अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग। दिव्या के हस्बैंड ने भी यही डाइट फॉलो करी अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग, और साथ ही में उन्होंने भी बहुत अच्छा वेट लॉस करा। और जब इसके बाद दिव्या इंडिया गई और उनके रिलेटिव्स ने, और स्पेशली जब उनकी मदर इन लॉ ने उनको देखा, तो इतना कॉम्प्लीमेंट किया और वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि उन दोनों ने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करी और अपना इतना सारा वेट लॉस किया है, और वो भी इतनी मुश्किलों के बाद बिना किसी हेल्प के। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू दिव्या, रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप आज इन सब लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं जो लोग आज ओवरवेट हैं और सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करें। आई एम श्योर कि आपकी इस वीडियो को देखकर ना वो लोग सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर दिव्या कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो आपके साथ दिव्या का पूरा डाइट प्लान शेयर करती हूँ। तो दिव्या रात को टाइम पर हमेशा सो जाती थी, हमेशा 10 से 11 के बीच में सो जाना और सुबह 6, 6:30 बजे के बीच में उठना, क्योंकि उन्हें रोज़ काम पर भी जाना होता था और साथ में उनका एक छोटा बेबी भी था। तो दिव्या हमेशा सुबह टाइम पर उठती थी, उठकर वॉशरूम यूज़ करती थी और सबसे पहले अपना वेट चेक करके मुझे वो अपना वेट पिक्चर भेजती थी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपने भी रात को 10, 10:30 बजे सोना है, सुबह 6, 6:30 बजे उठना है, वॉशरूम यूज़ करना है और उसके बाद अपना वेट चेक करके एक डायरी में उसे नोट डाउन करना है। उसके बाद दिव्या लेती थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने दिव्या को बहुत ज़्यादा दी है उनके डाइट प्लान में, वो है हमारा गोल्डन जूस। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक ब्लेंडर जार में डालो कच्ची हल्दी यानी टर्मरिक रूट, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, जिंजर यानी कि अदरक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और कड़ी पत्ता लीव्स। अब इसके अंदर डालो थोड़ा पानी, इसको करो बंद और इसको कर दो ब्लेंड। अब ये हमारा बन गया है जूस, इसको हम लेते हैं छान, और ये बहुत ही मैजिकल जूस है, गोल्डन जूस हमारा। तो ये है वो गोल्डन जूस जो दिव्या ने अपने डाइट में बहुत ज्यादा लिया है, और दिव्या को इस जूस ने बहुत मैजिकल रिजल्ट्स दिए हैं वेट लॉस में, इंच लॉस में, बेली फैट को रिड्यूस करने में और स्किन को ग्लो करवाने में। आप भी ये लीजिए, आपके लिए भी बहुत ही मैजिकली काम करेगा ये। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। दिव्या हमेशा मेक श्योर करती थी कि अपनी जो भी मील्स की प्रिपरेशन है वो वीकेंड्स पर ही करके रखती थी और रात को ही अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करके रखती थी, ताकि कभी भी उनका कोई भी मील स्किप ना हो। तो ब्रेकफास्ट में मोस्टली जो मैंने दिव्या को उनके डाइट में दिया है वो है हमारा हमस सैंडविच। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सिंपल क्विक इजी हमस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ब्लेंडर जार ले लिया है। अब मैंने ले ली है चिक पीज यानी कि वाइट चना, इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुक कर लिया है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है ये, अराउंड 1 कप कुक क्वांटिटी है ये। इसको मैं डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक यानी कि लहसुन। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है रोस्टेड सेसमे सीड्स यानी कि रोस्टेड तिल। इसको मैंने पैन पर बहुत ही लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था और लाइट ब्राउन हो गए हैं अभी ये। इसको भी मैं डाल दूंगी जार में। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा सा क्यूमिन सीड पाउडर यानी जीरा पाउडर,
दो आइस क्यूब्स डाल दूंगी मैं जार में, इससे हमारी हमस बहुत ही ज्यादा क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर्ड बनेगी। अब लिड को कर देंगे क्लोज और इसको कर देंगे ब्लेंड। ब्लेंड ब्लेंड, सब चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देख लेते हैं इसको, हमस हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी स्मूथ एंड क्रीमी बनी है और ये सुपर हेल्दी है, अमेजिंग फॉर वेट लॉस, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं किया है। अमेजिंग फॉर वेट लॉस है, रिच इन प्रोटीन है और बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है। लुक एट इट, कितना प्रिटी लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे दो होल व्हीट यानी आटा ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और ये है हमारी क्रीमी हमस। इसको हम बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अपने दोनों के दोनों ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। अब आपको मार्केट से कोई भी स्प्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हमस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको घर पर बनाइए और अमेजिंग वेट लॉस करिए। आप दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम अच्छे से हमस को स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर यानी खीरे के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी अपने ब्रेड स्लाइस के ऊपर। अब मैंने ले लिए यहाँ पे टमेटो के स्लाइसेस, इसको भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। अब थोड़े से अनियन के रिंग्स निकाल कर मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। अब इस स्लाइस को ओवरलैप कर देंगे और हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है ग्रिल करने के लिए। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रिलर के ऊपर हम यहाँ पे देसी घी लगा देंगे और अब अपने सैंडविच को हम बहुत अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। थोड़ा सा देसी घी मैं यहाँ पे ऊपर भी लगा रही हूँ। अब इसको बंद करके हम ग्रिल कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा सैंडविच सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से ग्रिल हो गया है ये। हमारा हाई प्रोटीन न्यूट्रिशियस सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग इट इज। तो ये हमारा हाई प्रोटीन हमस सैंडविच जो मैंने दिव्या को उनके डाइट में बहुत ज्यादा दिया है। आप ऐसे एक या दो सैंडविच यानी कि अराउंड 2 to 4 ब्रेड स्लाइसेस अपने ब्रेकफास्ट में बहुत इजीली ले सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फिलिंग है और हाई प्रोटीन है। आपने अपना ब्रेकफास्ट अराउंड 8:30 के आसपास लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर लेना चाहते हैं अपना ब्रेकफास्ट, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में मेरी ये 3 सैंडविच की रेसिपी, इसमें से कोई भी एक सैंडविच आप ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, फिलिंग है और अमेजिंग फॉर वेट लॉस है। आप ये ले सकते हैं। दिव्या को मैंने बहुत ज्यादा चीला भी दिया है उनके डाइट में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होता है और बहुत ही ज्यादा बहुत देर तक हमें फुल भी रखता है और बहुत इजी होता है और पूरी फैमिली के लिए आप उसको बना सकते हो। तो दिव्या को मैंने डाइट में ओट्स चीला दिया है, आप ये ले सकते हैं अपने डाइट में। या फिर मैंने बहुत ज्यादा दिया है उनको मूंग दाल चीला। तो ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन रेसिपीज हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखती हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती हैं और अमेजिंग वेट लॉस देती हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए उसमें शुगर या जागरी बिल्कुल भी आप ऐड ना करें, या फिर आप 1 कप लो फैट मिल्क भी यहां पर ले सकते हैं या 1/2 कप लो फैट कर्ड भी ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक हमेशा अपना 10-10:30 के आसपास आप ले लें और इस टाइम पर आप अपने एरिया में मिलने वाला कोई भी ऐसा लोकल फ्रेशली अवेलेबल फ्रूट लीजिए जो बहुत ही सस्ता है, सीजन का है उस टाइम पर। तो दिव्या को भी मैंने बहुत ही बदल बदल कर फ्रूट्स जो हैं वो दिए हैं और उन्होंने वही सब फ्रूट्स लिए हैं जो उनके एरिया में बहुत ईजिली अवेलेबल थे। तो आप भी इस तरीके का कोई एक फ्रूट अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में लीजिए, क्योंकि ये हमें फुल रखेगा हमारे लंच तक, हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई रखेगा और क्योंकि फ्रूट्स विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो इसलिए इस टाइम पर ये लेना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच आपने करना है 1 से 2 के बीच में और लंच में जो मैंने मोस्टली दिव्या को उनके डाइट प्लान में दिया है वो है हमारी ओट्स मूंग दाल खिचड़ी। कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 स्पून देसी घी। भाई खिचड़ी का मजा तो देसी घी के साथ ही आता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसिफेटिडा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा चॉप जिंजर, ग्रीन चिलीज चॉप, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सब चीजों को हम थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन, इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चॉप टमाटो, ये चॉप कैरेट ले रही हूँ, थोड़े से पीज ले रही हूँ मटर और थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे इसमें।
आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो घर पे आप वो डाल सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वेजिटेबल्स डालनी है। अब इनको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल, यानी येलो वाली जो मूंग की धुली हुई दाल होती है, 1/4 कप वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको 20 मिनट्स तक भिगो के रख दिया था मैंने। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अगर आपके पास कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता ना तो इसको बनाइए, बहुत ज्यादा क्विकली बन जाती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स। जितनी दाल डाली थी बस उसके डबल हमें ओट्स डालने हैं यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 कप पानी, यानी कि जितने ओट्स डाले हैं उसका 4 टाइम्स पानी हमें इसमें डालना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब कुकर की लिड लगा देंगे और इसको कर देंगे हम बंद, और इसको 2 विसल्स आने तक हम कुक होने देंगे। अब 2 विसल्स आ गई है और इसकी स्टीम बिल्कुल निकल गई है। अब देख लेते हैं क्या हाल है हमारी ओट्स खिचड़ी का। खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, देखिए कितनी डिलिशियस लग रही है, बहुत यम्मी है। इसमें डाल देंगे हम अपने धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे, ये इसका टेस्ट और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी खिचड़ी, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यम्मी सी। तो अब राइस खिचड़ी खाने की बजाय आप ये ओट्स खिचड़ी खाइए, ये टेस्ट में और भी ज्यादा यम्मी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। तो ये हमारी ओट्स मूंग दाल खिचड़ी, ये 1 पॉट रेसिपी है और ये रेसिपी आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक साथ बना सकते हैं और उन सबको बहुत पसंद आएगी। आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि अपना लंच टाइम पर लेना है, छोटे पोर्शन में ये खिचड़ी खानी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी, और साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है जिसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स या सैलेड लीव्स यूज कर सकते हैं। आपने उसमें सॉल्ट का यूज नहीं करना है और पेपर लेमन आप अपने सैलेड में यूज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर बीन सैलेड की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं छोटे पोर्शन में। और ये भी नहीं लेना चाहते तो प्रोटीन सैलेड की रेसिपी है, आप ये भी ले सकते हैं अपने लंच में। ये सारी की सारी प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी और बहुत अच्छा वेट लॉस देती हैं। साथ में आपने सैलेड जरूर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। अगर आप वर्किंग हो तो अपना इवनिंग स्नैक दिव्या की तरह आप अपने ऑफिस में ही रख सकते हैं। तो दिव्या को मोस्टली मैंने इस टाइम पर ब्लैक कॉफी या फिर लेमन वाटर दिया है। तो आप के एरिया में किस तरीके का वेदर है उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम पर या तो नींबू पानी ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, और साथ में आप मखाना रोस्ट करके अपने ऑफिस में ही रख सकते हैं, अपने घर पर भी उसको बनाकर रख सकते हैं एक एयरटाइट बॉक्स में, और एक कटोरी इस टाइम पे भुना हुआ मखाना, रोस्टेड मखाना आप अपने ब्लैक कॉफी या फिर अपने लेमन वाटर के साथ आप ले सकते हैं, जो आपको डिनर तक फुल रखेगा और आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। तो अराउंड 4-4:30 के आसपास आपने अपना इवनिंग स्नैक जरूर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर आपने 7 बजे के पहले जरूर खत्म करना है, और अगर आपको वेजिटेबल्स खाने की हैबिट नहीं है ना तो इसको डाल लो, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हमारे वेट लॉस के लिए अमेजिंग होती हैं। और अगर आपको अच्छा वेट लॉस करना है तो आपको अपने डाइट में बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और इवन अगर आप अपना वेट लॉस कर लेते हो उसके बाद भी अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है तो अपने डाइट में सब्जियां जरूर इंक्लूड करिए। डिनर में जो मैंने दिव्या को उनके डाइट प्लान में बहुत ज्यादा दिया है वो है हमारा अमेजिंग वेट लॉस घिया, जिससे वेट लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे हम अपना वेट लॉस घिया। तो वेट लॉस घिया बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 घिया, और यहाँ लिए मैंने 2 टमाटर। इससे बनाएंगे हम अपना बहुत ही टेस्टी यमी वेट लॉस घिया। इस साइज में आप काट लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने अपने जो टमाटर है उनको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर और इसको रख दिया मैंने गैस पर मीडियम फ्लेम पर। 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लेंगे हम, यहाँ पे कोई भी ऑयल ले सकते हो आप। यहाँ 1 छोटा चम्मच जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पे, और 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे हम इसको। इसमें हम डाल देंगे अपनी टमाटो प्यूरी।
बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। बस लिड को ऊपर से ऐसे ही रख के मैंने इसे ढक दिया था। अब देखिए टमाटर यहाँ पे हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम अपना घिया डाल देंगे। जब सारा का सारा घिया अच्छे से मिक्स हो जाएगा टमाटर की प्यूरी के साथ, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे एक ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कुकर की लिड लगा देंगे और इसको बंद करके हम सिर्फ एक विसल तक इसको पकाएंगे। एक विसल इसमें आ गई है, सारी स्टीम निकल गई है। अब इसको मैं दिखा रही हूँ आपको खोलकर, देखिए ये इतना यम्मी घिया बनके रेडी हो गया हमारा और ये एक पूरा बोल हम खाएंगे। तो ये है हमारा वेट लॉस घिया, जिसको खाने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका वेट जो है वो बहुत अच्छे से लूज होगा। तो मैंने दिव्या को उनके डाइट में ही बहुत ज़्यादा दिया, पूरा एक बड़ा बोल भर के आप ये खा सकते हैं अपने डिनर में। सॉल्ट थोड़ा सा कम की तरफ रखिएगा, साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलड का भी खाना है, सेम वैसे ही जैसे आपने अपने लंच में खाया था। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर स्टर फ्राई आईवी गार्ड की रेसिपी है, आप इसको भी ले सकते हैं। आप जहाँ रहते हो अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे जुकीनी भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये लीजिए अपने डिनर में। अगर ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर ओट स्मूदी की रेसिपी है, आप इसको देख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हो अपने डिनर में। साथ में सैलेड खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इन तीनों चीजों के साथ ना 50 ग्राम्स लो फैट पनीर जरूर लीजिएगा, क्योंकि हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप ये यूज करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मेरे चैनल पर चिकन की बहुत सारी रेसिपीज, आप इनमें से कोई भी चिकन की एक रेसिपी यूज कर सकते हो अपने डिनर में। अराउंड 100 टू 150 ग्राम्स आप चिकन ब्रेस्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर एग्स की रेसिपी है, आप एग्स भी यूज कर सकते हो अपने डिनर में। तो ये सारी की सारी हाई प्रोटीन रेसिपी है, आप इसको अपने डिनर में लीजिए और फिर देखिए आप कितना अच्छा वेट लॉस करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइट ड्रिंक की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिव्या काफी ज्यादा बिजी रहती है, तो मैंने उनको नाइट ड्रिंक में एक ऐसी चीज दी है जिसका आप एक मिक्स बनाकर रख सकते हो रेडीमेड एक एयरटाइट बॉक्स में, और उसको आप रेगुलरली पूरे वीक के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने दिव्या को जो नाइट ड्रिंक में दिया है जिसने उन्हें अमेजिंग वेट लॉस, इंच लॉस और बेली फैट को रिड्यूस करने के रिजल्ट्स दिए हैं, और साथ ही साथ में वो बहुत ही एक क्विक रेसिपी है, क्योंकि आपने उसको बनाकर एक बॉक्स में रख दिया और डेली आपने बस एक स्पून उसका बॉयल करा और आपने अपनी नाइट ड्रिंक बना ली। तो ये है हमारा मसाला टी मिक्स। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। आइए आपको बनाना सिखाती हूँ अपनी ऑल टाइम फेवरेट टी। ये मेरे हमेशा बहुत काम आती है और ये बिल्कुल मैजिकल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है 2 टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अजवैन यानी कि कैरम सीड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और ये बनके रेडी हो गया है हमारा इंस्टेंट मिक्स हमारी मैजिकल टी के लिए। इसको आप स्टोर करके एक एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हो और सुबह सुबह या रात को जब भी आपको इसे अपने लिए बनाना है तो इसमें से सिर्फ 1 टीस्पून आपने निकालना है और पानी के अंदर बॉयल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैन को हीट कर लिया है, 1 कप उसमें पानी डाल दिया है। अब 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना इंस्टेंट मिक्स। अब इस टी को हमें बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है इन सब मैजिकल इंग्रेडिएंट्स का वो इस टी के अंदर आ जाए। उसके बाद छानकर हमें इसे पी लेना है। आप इसको एज मॉर्निंग ड्रिंक या एज नाइट ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इस इंस्टेंट मिक्स को अपने साथ कैरी करके भी ले जा सकते हैं और कहीं पर भी अपने लिए ये टी बना सकते हैं। ये वाटर रिटेंशन रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है। आपको अगर गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत काम की है। हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी को मैजिकली इंप्रूव करेगी और आपको बहुत सुपर वेट लॉस, इंच लॉस देगी और बेली फैट के ऊपर तो ये बहुत मैजिकली काम करती है। इसको आप जरूर यूज करके देखिए और रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये हमारा मसाला टी मिक्स जो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है या आपको नींद नहीं आती, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, बेली फैट है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है आपकी बॉडी में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंच लॉस और वेट लॉस भी देगा। तो ये आपने लेना है अराउंड 9:30 के आसपास और उसके बाद कोशिश करनी है 10-10:30 बजे आपने सो जाना है और नेक्स्ट डे फिर से ये डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करना है बिल्कुल कंसिस्टेंटली, और फिर आप देखिएगा आपको भी मिलेंगे दिव्या जैसे वेट लॉस रिजल्ट्स। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो,
हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करना, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते तो हैं कि वेट लॉस करना है मगर कहीं ना किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कर नहीं पाते। तो आई एम श्योर ये वीडियो देखकर ना आज ही वो मोटिवेट हो जाएंगे और कल से नहीं आज से ही अपनी डाइट स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी ओवरवेट हैं, आपको भी अपना वेट लॉस करना है तो आज से ही अपनी डाइट स्टार्ट करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग डाइट प्लान्स और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।